आगे बढ़ते हैं, बिहार के मोतिहारी से खबर है। शराब पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गेहूं काटने के बाद शराब पार्टी की गई थी और पार्टी में शराब पीने वाले 10 लोग जिनकी मौत हो गई है, 10 वहीं पर बताया जा रहा है कि बीमार हैं, शराब पीने से उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये भी जानकारी आ रही है। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, क्या हुआ था और ये जहरीली शराब का सिलसिला बिहार में थम क्यों नहीं रहा है? 10 लोगों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये घटना बिहार के मोतिहारी के हरसिद्धि और तुरकोलिया में हुई है, जहां पर कल रात से जो बीमार लोग थे अस्पताल आना शुरू हुए और कल रात से मौत का आंकड़ा बढ़ के 16 पहुंच गया है और अभी भी कई लोग बीमार हैं, यानी कि आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं, क्योंकि 7 से ज़्यादा लोग जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, 1 दर्जन लोग हैं जो बीमार विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, कुछ लोगों को पटना रेफर किया गया है। घटना के बारे में शुरुआत में प्रशासन ने कहा कि फूड प्वाइजनिंग और डायरिया है, लेकिन बाद में ये बात खुल के सामने आई, इन सभी की मौत जहरीली शराब से हुई थी, क्योंकि कुछ जो बयान वहाँ सामने आए थे जो बीमार लोग आए थे उन्होंने बताया कि तुरकोलिया के गांव में एक गेहूं की कटनी हुई थी, उसके बाद वहां शराब पार्टी हुई थी और उसी में जिन लोगों ने शराब पी थी उनकी तबीयत एक करके खराब होने लगी है और इसमें कई परिवार ऐसे हैं जिन लोगों ने जो मृतक हैं उनका दाह संस्कार भी कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी के बाद बिहार पटना से पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक टीम भेजी गई है, जिसमें मद्रिस्थित विभाग के अधिकारी भी हैं और अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि बड़ी गंभीर बात है और पूरी जांच कराई जाएगी और जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितने और लोगों की जान जा चुकी है अमिताभ शराब पीने से? जाके करेगी जो सैंपल वहां पे कोई सटीक आंकड़ा आपके पास जांच की जाएगी? देखिए 16 लोगों की बात कही जा रही है, देखिए अधिकारी का आंकड़ा 10 का अभी तक आया है, लेकिन जो जानकारी है 16 लोगों की मौत वहां पे हो चुकी है, 10 लोगों की सूची जारी हो चुकी है, लेकिन मरने वालों की तादाद 16 अभी पहुंच चुकी है, जबकि इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है।